भारत तक अब नए अंदाज में। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। चीन, नाम छोटा है और कांड बड़े। वैसे तो पूरी दुनिया में चीन जो है वो अपने अतिक्रमण के लिए बदनाम है। साफ सरल शब्दों में कहें तो जमीन चोरी के लिए पूरी दुनिया में चीन कुख्यात है। और अब इसी से प्रेरणा लेती हुई चीनी कंपनियां टैक्स की चोरी कर रही हैं। लेकिन ये टैक्स चोरी भारत में हो रहा था तो चीन के गर्दन को दबोचने का काम किया गया है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि किन चीनी कंपनियों पर भारत सरकार की तरफ से अब हंटर चलाया जा रहा है। तो खबर है कि चीनी मोबाइल कंपनियों के खिलाफ देश में बड़ी कार्रवाई हो रही है। देश के कई राज्यों में इस वक्त इनकम टैक्स के अधिकारियों ने रेड मारी है। चीनी कंपनी द्वारा नियम तोड़े गए और अब उनके खिलाफ ये कार्रवाई की बात सामने आई है। जानकारी दी गई है कि देश के अलग अलग राज्यों में चीनी मोबाइल कंपनियों के खिलाफ एक्शन हुआ है और इन कंपनियों से सवाल जवाब हो रहे हैं। कहा यह भी गया है कि इस आईटी रेड को सिर्फ कंपनियों के ऑफिस तक सीमित नहीं रखा गया है बल्कि गोडाउन और दूसरी जगहों पर भी छापेमारी हो रही है। वैसे देश में इससे पहले भी जांच एजेंसियों ने चीनी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है, पहले भी रेड हुई है और कई तरह के इन पर आरोप भी लगे हैं और एक्शन भी होता दिखा है। ट्रांसपोर्ट से लेकर लोन एप्लीकेशन कंपनियों तक कई जगह पर आईटी कार्रवाई हुई है। हाल ही में चीन की जेटी के खिलाफ भी आईटी छापे पड़े। गुरुग्राम में वो रेड कई घंटे तक चली थी। तब अधिकारियों ने बताया था कि कंपनी द्वारा टैक्स से जुड़े कई नियमों का उल्लंघन हुआ है। यहाँ यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि सिर्फ भारत ही चीनी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है लेकिन कई ऐसे दूसरे देश भी हैं जो चीनी कंपनियों की चोरी को पकड़ रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हाल में सबसे ताजा उदाहरण जो है वो नेपाल का है जिसने कई चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। नेपाल के एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी चीन को हिस्सा लेने से रोका गया है। इसके पहले जो श्रीलंका है वहां भी चीनी कंपनी जो है वो श्रीलंका को खराब सामान चिपका रही थी जिस पर श्रीलंका ने उनके सामान को लेने से मना कर दिया है। और अब जो है वो भारत में भी इस तरह की कार्रवाई शुरू की गई है चीनी कंपनियों के खिलाफ, क्योंकि ये लोग जो हैं वो भारत में कारोबार तो कर रहे हैं लेकिन भारत के नियमों को नहीं मान रहे हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं और इसीलिए इन पर इस तरह की कार्रवाई, जांच हो रही है। जांच के बाद इन पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। आगे इस मामले में जो भी बड़े अपडेट होंगे वो भी आपको भारत तक बताता दिखाता रहेगा। तो देखते रहिए भारत तक।